हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अशस्वी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मात्र 10 या 15 सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है और यहाँ पर, यहीं पर हमें कोई संख्या लाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना वीडियो को स्किप किए चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहीं पर। ठीक है, तो यहीं पर हमें इन्हीं चारों ऑप्शनों में से किन्हीं एक ऑप्शन को लाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते होंगे तो आप घबरा जाते होंगे। ठीक है, इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये वीडियो में कैसे इसे सॉल्व करें ये बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक दिया है, यहाँ पर 8 दिया है, और यहाँ पर 27 दिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कैसे आया है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 27। ठीक है, अगर हम एक का घन करेंगे तो क्या होगा? एक का घन करें चाहे वर्ग करें कुछ भी करें, उसका एक ही आएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एक आ गया। ठीक है, अगर हम 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 × 2 × 2 बराबर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह देखिए, एक का घन किए तो एक आया, 2 का घन किए तो 8 आया। अब हम 27 को क्या करेंगे कि किसका घन करेंगे कि 27 आ जाए। ठीक है, अगर हम 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 3 × 3 × 3 बराबर 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। ठीक है, देखिए यहाँ पर 27 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक किए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 4। अगर हम 4 का घन करेंगे, 4 का घन करेंगे तो कितना आएगा? 4 × 4 × 4 बराबर 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 64। ठीक है, मिक्सिंग नंबर में हमारा क्या आएगा? 64, ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहीं पर है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। इन्हीं में से 4 ऑप्शनों में से किन्हीं एक को लाना है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये कैसे किया है आज हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 कैसे लाया है, अगर हम 2 का वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा? 4 4 होगा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है। ठीक है, अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 3 = 9। ठीक है, 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए 5 दिया है, यहाँ पर 25 दिया है। ठीक है, अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 दिया है और यहाँ पर मिसिंग नंबर, तो अगर हम 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 99 = 81, 81 आएगा। ठीक है, तो 81 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर, यहीं पर हमें इन्हीं 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन लाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 3 दिया है, 3 संबंधे 27 समानुपात 5 संबंधे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये क्या किया है, 3 का संबंध 27 से किया है। ठीक है ना, मतलब 3 का संबंध 27 से किया है। तो ये क्या किया है कि 3 में 3 से संबंध 27 से किया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं,
अगर हम तीन तीन का घन करेंगे तो कितना होगा? देखिए, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। देखिए, बस कुछ नहीं किया है, 3 का घन कर दिया है तो क्या हो गया है, 27। ठीक है, उसी तरह अब हम 5 का भी करेंगे। अगर हम 5 का घन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 = 25। ठीक है, 25 × 25 = 125। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 125। ठीक है, देखिए ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा। देखिए इसमें क्या किया है, देखिए दोस्तों क्या दिया है, 10 × 99 = 09 देखिए दोस्तों, और 10 × 99 मतलब 10 इसमें क्या किया है कि इसका संबंध 99 से है। देखिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको, अगर हम 10 और संबंधी 99 है तो हम क्या करें कि 10 का संबंधी 99 कैसे आया है। अगर अगर 10 और 10 का संबंधी 99 आ जाएगा तो उसी तरह हम 9 का संबंधी उसी तरह करेंगे तो हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या किया है, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, और -1 कर देंगे तो कितना आएगा, 99। ठीक है, तो देखिए 10 का संबंधी 99 हो गया ना। अब उसी तरह हम 9 का करेंगे, 09 संबंधी? तो हम क्या करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 99 के 81। ठीक है, 81 करेंगे और 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, तो 80 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसे एग्जाम में प्रश्न आए तो आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है हमारा। ठीक है, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमें वहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 दिया है, 8 दिया है, 27 दिया है, 64 दिया है, ? दिया है। ठीक है, तो हम क्या करें, देखिए कि यहाँ पर 8 आया है, यहाँ पर 27, यहाँ 64, ये कैसे आया है। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप देखिएगा इनमें कोई कॉमन चीज़ मिल रही है। ठीक है, कोई कॉमन चीज़ मिल रही है तो देखिए पहले क्या कीजिएगा, पहले देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यानी कि ये नहीं, ये स्टेप नहीं सही है। ठीक है, तो हम अब दूसरा स्टेप करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर 1 का घन करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, अगर 2 का घन करेंगे तो कितना होगा, 8। ठीक है, दे यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब यहाँ हम 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 27 आ गया तो हम 4 का भी घन करेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अगर 4 का भी घन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 × 4 × 4 × 4, 4 × 16, 16 × 64। देखिए 64 आ गया ना, ये भी 64 आ गया। ठीक है, अब फिर देखिए पहले 1 का किया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो हम क्या करेंगे, 5 का घन करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 × 5 = 25, 25 × 25 = 125। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 125। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे।
ऐसे प्रश्न आए तो आप में आप एग्जाम में बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।